दो दिन पहले रात में एक घटना हुई। टेरे फाटे के पास जो है एक गाड़ी में 10 जानवर थे, और जो लोग साहिब मामला हैं उनका ऐसा बताना है कि मुसलसल गौ रक्षा के मानने वाले लोग जो हैं वो गाड़ी का पीछा कर रहे थे, और उनकी जो गाड़ी थी उस गाड़ी से पीछे जो है वो ठोक रहे थे, और उनकी प्लानिंग जो थी कि ये गाड़ी पलट जाए, और हादसा भी कुछ इसी तरह का हुआ कि गाड़ी पलट गई। एक ऐसा है कुरैश बिरादरी के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने ये बात बताई। इस मामले में इंक्वायरी जारी है, और हमारी ये डिमांड है कि इसकी पूरी इंक्वायरी होना चाहिए ईमानदारी के साथ, और जो लोग कानून हाथ में ले करके मार्केट से कहो या रास्ते में कहो गाड़ी का पीछा करते हैं और फिर गाड़ी को ठोक करके गाड़ी पलटा देते हैं, और जो लोग गाड़ी में होते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है, कानून ने किसी को ये अधिकार नहीं दिए। अगर कोई गुनाह करता है उस गुनाह को रोकने की और गुनहगार को पकड़ने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की, ये नहीं है कि कोई पब्लिक में से उठ करके आए, कोई भी जो है NGO या कमेटी समिति हो उनके लोग आ करके इस तरह अगर कानून हाथ में लेंगे तो लाइन अर्डर की सूरत हाल बिगड़ेगी। आज वो लोग जो है रोड पर हैं, कल उनके मुकाबले में दूसरे लोग भी रोड पर आ सकते। तो हमारा तो ये कहना था कि इस मामले की पूरी ईमानदारी के साथ इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो लोग रोड पर इस तरह गैर कानूनी हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस पूरी कार्रवाई करे, इस तरह की हमने डिमांड की। अब ये फैसला तो कुरैश बिरादरी को और जिम्मेदारों को लेना चाहिए कि अगर हम लोगों को लड़ाई लड़नी है तो मैदान में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि लड़ाई आपकी हो और आप ना आए मैदान में, और आपकी तरफ से लड़ाई कोई दूसरा जा कर के लड़े, इस तरह का मामला मुश्किल है। जब तक कानूनी तौर पर बेस नहीं बनेगा और लोग साहिब मामला सामने नहीं रहेंगे फरीक की हैसियत से, तो ये लड़ाई लड़ना और जीतना बहुत मुश्किल है। अभी के मामले में शिकायत हुई है, FIR हुई है? अभी FIR तो अभी हुई नहीं है। अब ये फैसला इन लोगों को करना है कि भाई FIR करना है तो क्या करना है, कैसे करना है। पुलिस अभी इंक्वायरी कर रही है, और पुलिस डी तो नाम बताएं ना, सामने जख्मी लोग ने सबके नाम बताएं कौन है। मुझे उसका पता नहीं है कि उनका बयान लिया गया कि नहीं लिया गया, लेकिन ये कि जो भी है कानूनी तरीके से हमने यही बात रखी है कि भाई इनको पूरा पूरा इंसाफ मिलना चाहिए, और ये मामला पूरी ईमानदारी के साथ आप इंक्वायरी करो, और जो गैर कानूनी काम करने वाले लोग हैं उन पर बंदिश आनी चाहिए। मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में कारपेट दिया जाता है, हर किस्म का यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है।